दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं VKSU में एडमिशन किस प्रकार से करते हैं, मतलब कि जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आ रहा है इसमें हम लोग एडमिशन किस प्रकार से करते हैं, पेमेंट कैसे कटाते हैं, सबका जानकारी आपको आज स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का। तो हम लोग यहीं से एडमिशन का जो फॉर्म होता है उसे फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है UG एडमिशन फॉर्म, मतलब कि स्नातक प्रवेश आवेदन। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या करना है कि यहाँ पे 12 का जो डिटेल्स, मतलब जो इंटर का जो डिटेल्स है उसे आपको इस फॉर्म में पहले लिखना है। तो पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो लिखा है सिलेक्ट बोर्ड पर क्लिक करके यहाँ पे जो आपका बोर्ड होगा उस बोर्ड को क्लिक कीजिएगा। जैसे हमारा जो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसे हम कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 12 पासिंग ईयर बोल रहा है, जो इंटर में जब पास किए हैं वो पासिंग ईयर आपको यहाँ से लिखना है। तो हम यहाँ पे 2022 में पास किए हैं, तो यहाँ पे 2022 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड लिखना है, जो हमारा हमारे मार्कशीट पे जो लिखा होगा रोल कोड, तो उस रोल कोड को हमें इसमें लिखना होगा। जैसे हमारा जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे दिया हुआ रोल कोड, तो इसमें हमारा हो गया रोल कोड। और यहाँ पे लिखा जाना है हमें रोल नंबर, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर। जैसे यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर है उसे लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आगे हम क्या करते हैं कि जो आगे लिखा हुआ है रोल नंबर एंड रोल कोड, तो हमें दोनों में री इंटर करना है रोल नंबर और रोल कोड। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है तो पहले यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। तो जो हमारा रोल नंबर है उससे देखिए हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम फिर से देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है री इंटर, तो यहाँ पे पहले हमें रोल कोड लिखना है फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। तो जो हमारा रोल कोड जो इधर बगल में लिखे हुए हैं उसी को फिर से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख दिए। लिखने के बाद जो डैश होता है, जिसे प्लस के बगल में जो माइनस वाला जो चिन्ह होता है, तो हम यहाँ से माइनस वाले चिन्ह पे क्लिक कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, पहले यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर उसे हम यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ से हम रोल नंबर को भी लिख दिए। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है री इंटर में, तो हम फिर से री इंटर में सेम टू सेम इसी को लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा रोल कोड है उसे हम यहाँ से लिख लिए, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि इसमें हमें रोल कोड को लिखना है। ये तो हो गया, अब हमें लिखना है रोल नंबर को। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने रोल नंबर को लिख देते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैप्चा, तो यहाँ पे हम कैप्चा को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है जैसे लिखा हुआ कैप्चा सेम वैसे ही यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है वह हमारा हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीट जो डिटेल्स है जो हम लिखे हुए हैं। तो इसका आप लोग फोटो खींच लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे इसे हम कैप्चा कर लेते हैं। करने के बाद अब हम यहाँ पे यस प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमें देखिए इसमें हमें नाम लिखना है कैंडिडेट का, जो स्टूडेंट है उनका नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है मदर्स नेम, इसमें हम मदर का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो दिया हुआ है जेंडर, क्लिक करके यहाँ से जेंडर को कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे रिलीजन मतलब धर्म लिखा हुआ है, क्लिक करके आप जो आपका धर्म होगा उसे आप इसमें से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, क्लिक करके आप जो भी होंगे जनरल BC1 BC2 तो उस पर क्लिक करके यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सब कैटेगरी पर क्लिक कीजिएगा। अगर देखिए अगर आप यहाँ पे हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे चूज कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो अप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका निवास है किस राज्य से निवासी है, तो वहाँ पे अपने राज्य को यहाँ से कर लीजिएगा सिलेक्ट। जैसे हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक मतलब कि मूल निवास पत्र यहाँ पे अपलोड करने के लिए लिखने के लिए बोल रहा है, अगर यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो स्टार मार्क्स होता है जिस पे लगा हुआ है वही कंपलसरी है, बाकी जो कंपलसरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम आधार नंबर को लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंट एड्रेस। तो हमें परमानेंट एड्रेस में अगर यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस अगर आपका जहाँ पे होगा उसे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस जो एड्रेस है उसे आप यहाँ पे लिखिएगा। अगर दोनों सेम होगा तो यहाँ पे कॉपी इट सेम पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से दोनों में सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे इसमें भी मोबाइल नंबर री इंटर करना है फिर से। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को लिखना है और यहाँ पे री इंटर करना है फिर से ईमेल आईडी को। इतना करने के बाद नीचे आइएगा
तो यहाँ पे जो आपका पासिंग ईयर जो दिया हुआ है, मतलब कि जो आप मैट्रिक पास किए हैं उसका डिटेल्स आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पे पासिंग ईयर पर क्लिक करके आप मैट्रिक कब का पास किए हुए हैं उसे लिखिएगा। लिखने के बाद आपको देखिए आगे क्या करना है कि जो यहाँ पे बोर्ड है तो आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं उसे लिखना है। यहाँ पे कंपनी चूज कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे रोल कोड लिखना है, फिर यहाँ से रोल नंबर लिखना है, फिर आपका कितने मार्क्स का था और इसमें कितना नंबर पाए हुए हैं सब कुछ यहाँ पे आपको लिख देना है। ये लिख देने के बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे अब हमें इंटर का लिखना है। जो आप 12वीं पास किए होंगे इंटर का उसे आप इसमें आपको लिखना है। जैसे जो आपका यहाँ पे, इसके बाद जब इतना हम कर लेंगे तो यहाँ पे इंटर का ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हम फिलअप किए थे वो हमारा यहाँ पे दिखा देगा और आप इंटर में कितना नंबर पाए हुए हैं उसे इस बॉक्स में लिखना है। तो इतना जब कर लीजिएगा उसके बाद नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इमेज को अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है जो इसमें लिखा हुआ है फोटो, तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आपका कम से कम 20 KB से कम होना चाहिए, यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है जो कि ये भी 20 KB से नीचे होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को लिख करके यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम सारे फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ यहाँ पे जो स्टेप है, मतलब कि यहाँ पे हम जो चेक बॉक्स छोड़े हुए थे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सेव पर क्लिक, तो हम जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिसमैच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लॉगिन आईडी है वो हमारे सामने आ जाएगा और हमारे मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड किया जाएगा। तो उसके बाद देखिए आगे हम क्या करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू लॉग इन एंड कंटिन्यू। तो इतना करने के बाद हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हमारा सारा जो फॉर्म को हम फिलअप किए हुए हैं ये सब कुछ यहाँ से हमारा दिखाने लगेगा। जैसे यहाँ पे तो जब ऐसा इंटरव्यू सबका आएगा तो इसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट स्टेप, तो हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, मतलब कि विषयवार प्राप्तांक विवरण। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट में जो आपका मार्क्स आया हुआ है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को चयन करना है। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पहले यहाँ पे आपका जो स्ट्रीम था जैसे आर्ट कॉमर्स साइंस, तो उसे आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। जैसे इनका जिनका हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इनका आर्ट है, तो यहाँ पे आर्ट पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे जो इनको नंबर मिला हुआ है उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो इंटर में मिला हुआ है नंबर उसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और जो पूरा मार्क्स था टोटल मार्क्स उसे हम यहाँ पे लिख दिए। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पहले सिलेक्ट एन ऑप्शन पे, तो जो हमारा इनका सब्जेक्ट था जैसे आप लोग देख लीजिएगा जो जो आपको सब्जेक्ट मिला होगा उससे पहले आप चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। जैसे यहाँ पे हमारा इंग्लिश आ चुका है तो इंग्लिश हमारा यहाँ पे कितने नंबर का था, तो ये हमारा 100 नंबर का था। तो यहाँ पे हम इंग्लिश को 100 नंबर कर लेते हैं। इसे लिखना है मार्कशीट के अनुसार, तो यहाँ पे हम इसे फटाफट लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो 100 में जो जितना नंबर मिला हुआ है उसे यहाँ पे लिखिएगा। जैसे इनको मिला हुआ है 30 नंबर, तो यहाँ पे हम 30 पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सब कुछ जैसे मार्क्स को लिखा जाता है वैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नंबर को लिख चुके हैं। लिखने के बाद यहाँ पे अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिला होगा तो उसे लिखिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो और यहाँ पे ओके पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो यहाँ पे ऊपर जो नंबर लिखे थे वो आपका मैच कर लिया। मैच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आया तो यहाँ पे अब आपको कौन सा ऑनर्स लेना है। जैसे आप BA जो आप IA किए हुए थे, मतलब कि जो आर्ट्स जो इंटर में किए हुए थे उन्हें BA में बस उनको आर्ट्स से मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका ऑनर्स विषय दिखा रहा है। अगर आपको हिस्ट्री से करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा हिस्ट्री पर, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो गया, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कैमूर पर क्लिक कर दिए। उसका जो भी आपका कैमूर में जो कॉलेज होगा वो आपके सामने होगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से ऐड पर क्लिक कीजिएगा। तो ऐसे आपका कॉलेज जो है वो ऐड हो जाएगा। बारी बारी हम सभी को कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए देखिए आप इसमें कम से कम 10 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। हम यहाँ पे 5 कॉलेज का चयन किए हुए हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा जो आपका अगला स्टेप होगा तो आपका पेमेंट आपसे मांगेगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है, जो आपका पासवर्ड पहले से जो मोबाइल पे आया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे लिखिएगा। जैसे हमारा जो पासवर्ड है उसे हम यहाँ से लिखते हैं।
पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पेमेंट का जो अगला स्टेप है वह खुल करके आएगा, और यहाँ से हमें पेमेंट को देना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेट स्लो होने के कारण ऐसा हो रहा है। तब तो तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करें जहाँ पर भी आपको डाउट हो, और अभी तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आगे आपको दिखाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से पेमेंट को कटा सकते हैं। कटाने के बाद जब आइएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के आएगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आवेदन शुल्क का भुगतान, तो इस पर क्लिक किया जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा योर पे अप्लीकेशन इज ऑलरेडी। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो भी आपका फॉर्म है वह कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा, और यहाँ पे जो स्टेटस है वो आपका पेड दिखाई देगा, मतलब कि आप पेमेंट जमा कर चुके हैं। उसके बाद आइएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपका यहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड अप्लीकेशन एज PDF, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपका जो PDF में जो आपका फाइल है जो फॉर्म है वह डाउनलोड होकर चला आएगा। इसके बाद यहाँ पे इसे ओपन करके आप देख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मार्क्स दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपका कॉलेज सब कुछ यहाँ से आपका दिखाई दे रहा है, जो आपका पेमेंट है वह सब कुछ यहाँ से आपका दिखाई दे देगा। तो इस प्रकार से आपको हम A to Z समझा चुके हैं कि किस प्रकार से BKSU जो आपका कबीर कुंवर यूनिवर्सिटी आ रहा है, इसका हम लोग एडमिशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, पेमेंट कटाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं, जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ, टाटा बाय बाय।